सो 11 और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो चाबी आप देख रहे हो ना, ये इसी ब्यूटीफुल सी एसयूवी की है भाई। देखना क्या मस्त लग रही है ब्लैक कलर के अंदर। और इसको दिखाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि आज के टाइम में आप देख रहे होगे कि ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो मतलब ब्लैक कलर से अपना नाता तोड़ चुकी थी, उन्होंने भी मार्केट में ब्लैक कलर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं अपने, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों की सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं ब्लैक कलर की वजह से, और बहुत सारी गाड़ियां तो बिकती ही अपने ब्लैक कलर की वजह से हैं। तो ऐसे में वो कंपनियां भी कैसे रह जाती, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये आता था इसके अंदर पहले से ही। तो मैं ग्रैंड विटारा की बात कर रहा हूँ और क्रेटा की बात कर रहा हूँ, सेल्टोस की बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसी गाड़ियाँ हैं जो मार्केट में बहुत सही लेवल पर रूल करती हैं और उनके अंदर ब्लैक कलर आता है। अब ग्रैंड विटारा के अंदर भी अभी लेटेस्टली इंट्रोड्यूस हुआ है ब्लैक कलर, क्योंकि मार्केट की डिमांड थी भाई। ब्लैक कलर बेसक से मेंटेन करने में कैसा भी हो, पर बंदों को पसंद है तो पसंद है बस, और मेंटेन करना कुछ भी करना हो वो सब देखते हैं, बट भाई ब्लैक कलर में गाड़ी जचती तो है, जैसे कि ये जच रही है। तो ये आप ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जस्ट कलर ब्लैक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको आप मतलब कह सकते हो कि इसका डार्क एडिशन एक तरीके से, जैसे कि टाटा के अंदर आता है तो एक तरीके से आप इसे कह सकते हो। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो बात करेंगे। ये वेरियंट की बात करें तो ये यहाँ पर RXG है, आप देख सकते हो इसे, और ये ऑटोमेटिक है। और इसकी बात करते हैं तो चाबी से भी स्टार्ट करें तो कुछ इस तरीके की चाबियां आपको देखने को मिलती है, स्मार्ट कीज आती है यहाँ पे, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप चाबी लेके गाड़ी के पास जाते हो तो ये लॉक अनलॉक हो जाती है अपने आप। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, और दोनों सेम कीज है सेम कंट्रोल्स के साथ। कीमत की बात करें तो 9,34,000 के आसपास एक शोरूम पड़ती है आपको डेली में, ठीक है। तो ये इसका डार्क एडिशन आपको क्या क्या ऑफर कर देता है वो बता देते हैं। चाबी रख लेते हैं अपनी पॉकेट के अंदर और फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में यहाँ पे DRS वगैरह आते हैं इसको, बहुत बढ़िया इंडिकेटर्स वगैरह हैं। LED बेस यहाँ पे अपना हेडलैम्प्स का सेटअप है, प्योर विजन यहाँ पे मेंशनड है, और ब्लैक कलर देखना भाई क्या ही मस्त लग रहा है इसके ऊपर, प्यारा एकदम। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है, और इसके ऊपर भी जो सर्टन यूज़ किए हुए हैं क्रोम के, वो मतलब ऐसा है कि बैलेंस कर रहे हैं प्रोफाइल को, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा है या फिर जस्ट दिखाने के लिए लगा रखे हैं कि भाई छोटा छोटा दे देते हैं कहीं पे, एकदम बहुत सही एक्यूरेट तरीके से क्रोम है, क्योंकि रेनॉल्ट का लोगो ही इतना बड़ा है जिसको क्रोम में देती है कंपनी, तो उसकी वजह से छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स यहाँ पे इसको कंप्लीट सा फील करा देती हैं। और साइड सेक्शन में आप देखोगे ना, तो इधर की साइड से दिखाता हूँ आपको, देखो आपको कुछ भी ऐसा दिखेगा नहीं कि भाई मतलब ओवर लग रहा है या फिर कम है या फिर ज़्यादा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सोबर। और भाई लुक्स तो इस गाड़ी की कातिलाना है बिल्कुल। नीचे आप देखोगे तो एक क्लैडिंग्स वगैरह आती हैं कलर के साथ, आपको ऐसा अब तो दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से। ये देखो ये मैट है और ये शाइनी है, और ये नीचे तक पूरा ऐसा ही पोर्शन है, स्पोर्टी लिप्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं इसको। और इधर की साइड भी RXG की बैजिंग है, और ये आप देख सकते हो ये वेव जो आ रही है ये बिल्कुल अलग से ही आती है। टायर सेक्शन वगैरह की बात करें तो MR के यहाँ पे टायर्स मिलते हैं आपको, और इसके टायर सेक्शन की बात करें तो ये आपको 195/60R16 16 इंच के कुछ ऐसे मिलेंगे, मशीन गट अलॉयज बीच में देख रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल जैसा टॉप एंड मॉडल आता है ना टर्बो वाला, तो उसके अंदर भी ऐसे ही आता है अंदर रेनॉल्ट का लोगो रेड इंसर्ट्स में आगे डिस्क, और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक की ऑफर होती है। और ये है इसकी पूरी साइड प्रोफाइल, डायमेंशन वगैरह ये आपकी स्क्रीन पर देख रहे ना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। बॉडी कलर्ड ORVMs इंडिकेटर्स के साथ हैं एकदम, ये देखो अपने आप डिटेक्ट कर लेती है ये कि चाबी गाड़ी के पास आई तो लॉक अनलॉक हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये डोर हैंडल्स हैं, रूफ रिल्स हैं, ये आपको सिल्वर कलर की मिलती हैं, प्लेन रूफ है, थोड़ी वेवीनेस इसके ऊपर आपको देखने की मिलती है, मतलब कि जो डिज़ाइन एलिमेंट का पार्ट है, मैं वो वाली वेवीनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। और पीछे की साइड चलते हैं तो ये जो मसल्स इस गाड़ी के आप देख रहे हो, ये जो वेव्स वगैरह आप देख रहे हो, ये हैं छोटी छोटी चीज़ें जो इसकी लुक्स को बहुत एनहांस करती हैं। ये देखना 1X पे ये इसने फिर से डिटेक्ट कर लिया कि चाबी नहीं है, तो ये लॉक हो चुकी है अपने आप, और ये देखो इसकी लुक्स क्या लगती है भाई, मस्त एकदम। तो अभी इसके पीछे की प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे शार्पन एंटीना है जो कि ग्लॉसी ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर तो ब्लैक ही मिलेगा। ये देख सकते हो आप एक यूनिक सा स्पॉइलर, यहाँ पे स्टॉप लैम्प है, डिफॉगर है, वाइपर है, और ये कुछ ऐसे मिलते हैं LED बेस्ड टेल लैम्प्स, और ब्लैक कलर के साथ शायद आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आए क्योंकि थोड़ी सी स्मोकीनेस मिलती है टेल लैम्प्स के अंदर, तो बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं पता भी नहीं चलती है। रेनॉल्ट ये क्रोम में मिलता है, काइगर क्रोम में मिलता है, रेनॉल्ट का लोगो क्रोम में मिलता है, इसके बीच में रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट मिल जाती है, और पीछे 3 पार्किंग सेंसर्स भी हैं जो कि यहाँ पे प्लेस्ड हैं, 1, 2 तीसरा वहाँ पे। और ये नीचे का जितना पोर्शन आप देख रहे हो ये है तो मैटी, बट ये ब्लैक है, ये सिल्वर है, ये डिफरेंस आपको मिलेगा। और ये बूट आपको दिखाता हूँ एक बार, तो यहाँ पे मैग्नेटिक बटन दी हुई है जिसे प्रेस करके आप अपना बूट एक्सेस कर सकते हो। पार्सल ट्रे है, 405 लीटर्स की बूट कैप्स की यहाँ पे ऑफर होती है, 60/40 का ऑप्शन है, और ये टूल किट वगैरह है इसकी। और इसे खोल के देखें नीचे
सकते हो। यहाँ पे सीएट का टायर मिलता है आपको जो स्टेपनी व्हील है, और 165 ATR 14 14 इंच का मिलेगा इसका टायर सेक्शन। तो ये है यहाँ से सारी चीज़ें, और अब भी इसका इंटीरियर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जितनी ही ज़्यादा शानदार है बाहर से लग रही है ना, अंदर से भी वो चीज़ कैरी होती है, तो जो चीज़ आपको बिल्कुल फील कराएगी कि हाँ भाई आप किसी डार्क एडिशन के अंदर बैठ रहे हो। ये देखो, देख के ही समझ आ गया होगा आपको। ये जो टच है सबसे प्यारा मुझे लगा, सारी चीज़ें ब्लैक हैं इसके अंदर, और ये पूरा ग्लोसी ब्लैक है। थोड़ा सा ये बेबी टेक्सचर यहाँ पे दिया हुआ कुछ इस तरीके से। चारों पार विंडोज हैं, डाइव साइड विंडो जो वन टच अप डाउन मिलती है, ORM के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इसे आप फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट कर सकते हो। विंडोज़ के लॉक हैं, इवन ये डोर लिवर तक आपको ग्लॉसी ब्लैक दिया हुआ है। स्पीकर है, बोतल होल्डर वगैरह है, और सीट्स की एडजस्टमेंट की बात करें तो ये आपको 6-way मैनुअल एडजस्टिंग मिलती है, मतलब आप इसे आगे पीछे ऊपर नीचे 6 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे फ्यूल लिड खोलने के लिए लिवर है, नीचे दो ही पैडल्स हैं, और अभी अंदर चलते हैं। और ये देखना सीट्स वगैरह देख लो, कभी याद ना रहे मुझे, ये फैब्रिक सीट्स हैं वैसे। और ये देखना स्टिचिंग वगैरह, पूरी स्पोर्टीनेस मिलती है इसके अंदर, बिल्कुल स्पोर्टीनेस, ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन मिलता है। और अभी चलते हैं अंदर, और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि अंदर से क्या मामला है भाई। तो ये की मैंने सीट्स पीछे, इन्हें कर लेते हैं बंद। और ये देखो 1X पे आपको कुछ समझ में आएगा, ये देखना अलग ही वेव आती है ये, बिल्कुल ये ब्लैक है। यहाँ से देखोगे ना तो ये ब्लैक कलर के अंदर कैरी होती है, बट यहाँ से जाते 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 ये रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक वेव आपको पसंद आएगी इसके अंदर। और दूसरा फिर यहाँ की बातचीत करते हैं, तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये सामने के कंट्रोल्स, बटन्स वगैरह, लुक्स वगैरह इसके। कीलेस एंट्री मिलती है, चाबी मेरी जेब में है, ये मैंने रख ली चाबी यहाँ पे। और एक सेकंड ये ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलती है आपको, जो कि आपको एक सेकंड ये यहाँ पे मिलेगी। क्रोम रिंग मिलता है इसके चारों तरफ, जैसे आप एक बार प्रेस कर दोगे स्टेयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो जाता है, और ये एक पुश पे ही सारी चीज़ें ऑन हो जाती हैं। देखो ये भी ऑन है, और ये भी ऑन हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में, जब तक हम सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। देखना भाई, एमिनेंट लाइट मिलती है भाई इसके अंदर, बढ़िया वाइट कलर की मूड लाइट आप इसे कह सकते हो। यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखना पूरा डिजिटल कॉकपिट है, और ये लगता है मज़ेदार, क्योंकि इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह हैं ये बढ़िया हैं। पूरे रेनॉल्ट काइगर यहाँ पे बन के आ रही है, फ्यूल टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, मोड्स वगैरह सब डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे मिलते हैं। तो ये कलरफुल भी है, प्यारा भी है, और मस्त भी लग रहा है कुल मिला के। तो ये सामने से आपका क्लस्टर, और इसके चारों तरफ ये देखो छोटे छोटे से क्रोम के इंसर्ट्स वगैरह भी मिलते हैं आपको। वाइपर्स के कंट्रोल हैं, और इधर की साइड हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो पूरा लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता आपको, ये लेदर रैपिंग आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगी, आप देख रहे हो अलग पोर्शन पे। इसके ऊपर भी ये रेड कलर की स्टिचिंग वगैरह की हुई है। रेनॉल्ट का लोगो है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये अभी ऑन नहीं हो रहा पता नहीं क्यों, बट बताते हैं इसके बारे में भी। और यहाँ पे और कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपने यहाँ के सामने के, ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप टैगल कर सकते हो आराम से। और इससे ऊपर एक वेरिएंट और आता है इसका, जिसमें यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी आपको मिलेगा, जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ टर्बो वाला, तो उसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो ये टिल्ट एंड टिल्ट ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। और डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में, ऊपर की साइड यहाँ देखो वैनिटी मिरर है, एयरबैग की बैजिंग है, लाइट की प्लेसमेंट, मैनुअल डिमिंग IRVM की प्लेसमेंट, माइक की प्लेसमेंट है यहाँ पे, और इधर की साइड टिकट होल्डर भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। और ये देखो डैशबोर्ड, सारी चीज़ें ब्लैक हैं, इसे कहते हैं एक तरीके से डार्क एडिशन, मतलब सारी चीज़ें ब्लैक है, और जहाँ जहाँ पे रेड इंसर्ट्स होने चाहिए थे मेरे हिसाब से वहाँ वहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ये देखो ना यहाँ पे सीट्स पे, और ये अलग से एक पोर्शन दिया हुआ। तो छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब थोड़ा सा स्पोर्टी फील कराती हैं, सिर्फ कलर की वजह से अलग नहीं है ये, अंदर का केबिन भी उसी तरह से कैरी कर रखा है बहुत बढ़िया तरीके से, तो अपने आप में ही बन जाता है कुछ ना कुछ। तो ये है सामने से डैशबोर्ड का व्यू। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। ये ऑन नहीं हो रहा अभी, या तो मेरे से ऑन नहीं हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा। AC वेंट्स वगैरह हैं, डिफॉगर्स के कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं, हैजार्ड लाइट की बटन, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, ऑटोमेटिक AC आता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, स्पेस वगैरह मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे भी लाइट दी हुई है। तो ये है USB पोर्ट है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम रिंग के साथ। ये है इसका ऑटोमेटिक गियर लिवर, ये देखो बढ़िया एकदम शानदार। और यहाँ पे अपनी एक बटन एक्स्ट्रा मिलती है, ये देखो ये किस चीज़ की है बताना कॉमेंट्स में, अगर सही बता दे तो ठीक है, वरना मैं करेक्ट कर दूंगा आपको। और यहाँ पे अपना ये डायल मिलता है, ये देखो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, यहाँ से आप ऐसे सेट वेट कर सकते हो बढ़िया तरीके से, और काफ़ी बढ़िया फील भी अच्छा हो रहा है।
ये देखना फीडबैक, हाय हाय बढ़िया एकदम। और पूरी जो टनल है ये कनेक्टेड मिलती है, और जितना भी ये पोर्शन आप देख रहे हो सब ग्लॉसी ब्लैक मिलता है, सारी की सारी चीज़ें ग्लॉसी ब्लैक मिलती है। हैंड ब्रेक है, क्रोम टिप के साथ है, आर्मरेस्ट है, और ये काफ़ी अच्छी स्टोरेज ऑफर होती है इसके अंदर भाई। इसे आप बंद कर सकते हो, यहाँ पे चिपक जाएगा आराम से, पूरा लेदर रैप है, रेड स्ट्रिंग वगैरह आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया। और ये हैं सारी चीज़ें, और यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछ लेना कॉमेंट्स में। और हाँ, ये मैंने नहीं दिखाया आपको, एक ग्लो बॉक्स और इसके साथ ये दूसरा ग्लो बॉक्स, काफ़ी डीप स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ये है सारी चीज़ें, और अभी ये सीट में मेरी हेड के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, पीछे चलते हैं और पीछे की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं, पीछे क्या क्या चीज़ें इसमें ऑफर होती हैं और कितनी स्पेस ऑफर होती है, तो पीछे चलते हैं डायरेक्टली। और अभी पीछे की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं, तो ये देखो डोर पैनल, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ब्लैक है, ऑलमोस्ट क्या सारी चीज़ें ब्लैक हैं, जो कम ब्लैक हैं वो ज़्यादा ब्लैक की हुई हैं, ग्लॉसी ट्रिम्स वगैरह देखे। ये देखना पावर विंडो कंट्रोल, अपना स्पेस वगैरह है, बोतल होल्डर के लिए स्पेस है, यहाँ पे स्पीकर है, और ये डोर लेवर भी आप देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक दिया हुआ है। अभी अंदर की चीज़ दिखाते हैं आपको, और शायद उतनी ही मज़ेदार ही आपको पीछे से भी फील हो। तो पैर फैला लेता हूँ पूरे, ये देखना कितनी स्पेस है भाई, 5 नंबर मेरी हाइट है, ये मेरी कम्फर्टेबल पोजिशन पर सेट है सीट, और ये हेडरूम वगैरह भी देख सकते हो कितना है मेरे पास फिलहाल। और थाई रूम में मुझे कोई इशू नहीं है 1% का भी, नीचे कोई हम्प नहीं है, फ्लैट सरफेस है, 3 बंदे इजीली स्मूथली बैठ के जाएंगे आराम से। पीछे रियर एसी वेंट्स भी दिए हुए हैं आपकी सहूलियत के लिए, ये देखो। और यहाँ पे 12 का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है कुछ इस तरीके का, ये देखो। तो बढ़िया कुल मिला के फीचर्स में तो कोई कमी नहीं है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एडजस्टेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको, आर्म रेस्ट भाई, कप होल्डर्स के साथ है। और ये देखो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बिल्कुल स्टडी है, एकदम लटक भी नहीं रहा, फोन वगैरह रखने के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाती है आपको। और यहाँ पे 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं जो कि कुछ इस तरीके से स्ट्रेट रहते हैं, पीछे भी आपको रीडिंग लाइट मिलती है कुछ इस तरीके की, ये देखो। और यही हैं सारी चीज़ें, कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट्स में। और अब इसका इंजन कंपार्टमेंट भी चेकआउट करा देता हूँ क्योंकि इंजन में क्या मिलता है, तो डायरेक्ट चलते हैं इंजन की तरफ। और अब इस गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन पैडिंग वगैरह देखने के लिए मिलती है जो कि कैबिन नॉइज़ कम करने के लिए काम आती है। और यहाँ पे 999cc का पेट्रोल इंजन आपको मिलता है जो कि 71 BHP निकालता है, 97 Nm के आसपास का टॉर्क जो है डेवलप करता है, 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, और 19 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है उससे। तो ये है ओवरऑल आपके सामने इंजन कंपार्टमेंट, और एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो ये थे आपके सामने काइगर ब्लैक कलर के अंदर, RXZ वेरिएंट था इसका, ये ऑटोमेटिक। क्या लगता है आपको इस गाड़ी को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके, कि आपकी राय क्या बनेगी, क्या होनी चाहिए, और ये कलर कैसा लग रहा है, इस कलर में ये गाड़ी कैसी लग रही है वो बताना। और भाई मुझे तो प्यारी लग रही है, जैसी बाहर से है वैसी इंटीरियर से भी है, बिल्कुल आप कह सकते हो इसका ही डार्क एडिशन एक तरीके से, कलर की वजह से नहीं, इंटीरियर भी ऐसा ही मिलता है आपको एकदम स्मोकी ब्लैक जबरदस्त। तो ये थी आपके सामने गाड़ी, कैसी लगी बताने कमेंट्स में, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम फिर मिलते हैं इसकी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।